लोग निकले इवनिंग वॉक करने के लिए। मान लो यहाँ पे चार लोग हैं, ऐसा चार लोग मतलब जा रहे हैं, साइकिल आ रही है, हमने यानी कोई और आ गया पांचवा तो जा चुका है, तो मगर सारी चीज़ें भर के गया यहाँ पे। देखो कभी यहाँ पे पानी थोड़ा बहुत होता था तो अब तो पूरा भरा पड़ा है यहाँ पे, हर चीज़ भरी पड़ी है। इस साइड नहीं आया है मगर इस साइड ही साइड है हर जगह, इस साइड बहुत कम आया है, तो इस साइड का बंद कर दिया जाता है क्योंकि खेत है इधर। उसे देख सकते हो सनसेट तो हो रहा है, मतलब यहाँ पे लो क्वालिटी है इतने फोन की, तो आप सब देख सकते हो। भाई साहब चलते अपने घर, भाई साहब शाम के सूर्यास्त होने वाले, भाई फुल झूम है इतने तो बहुत ही हिल रहा है। ओहो भाई साहब यहाँ पे हम लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, आपको क्या बताएं, देख सकते हो आप लोग हम लोग चले ही जा रहे एकदम, देख सकते हो आप लोग हम लोग चले ही जा रहे। ये क्या है, फ्लिप कर दिया है यहाँ पे फोन अपना, उल्टा भी हो गया फ्लिप करते हुए। तो यहाँ से एकदम सीधा देखा पानी के अंदर भी एक सूरज डूबा है, एक यहाँ पे भी वहाँ पे ऊपर भी डूब रहा है, तो आप सब देख सकते हो कितना मस्त। नाला वाला पूरा सूख चुका है यहाँ पे, आप देख सकते हो अभी भाई कबड्डी हो रही है, आप सब देख सकते हो कि और क्या हो रहा है। पास चलते हैं इसके, सो गाइस यहाँ पे बम्बा जब आया था तो पूरा नाले वाले भरे थे, तब यहाँ तक पानी आ चुका था, आप सब देख सकते हो। थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, बारिश का भी पानी और नाले का भी पानी थोड़ा बहुत है, और वहाँ पे कबड्डी हो रही है, आप सब देख सकते हो कि भाई सब कबड्डी हो रही है पूरी। भाई अब देखो लॉकडाउन में कोई भी पालन नहीं करता, तो अब मैं कहना चाहता हूँ कि पालन करें, सख्त बने, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान चलाएं। देख सकते हो कि पानी भी भरा पड़ा, कबड्डी भी हो रही चारों तरफ, सनसेट भी हो रहा, हर चीज़ एक ही तरफ से हो रही। कहते हैं कि यहाँ पे जंगल की साइड एक तेंदुआ, उसको क्या कहते हैं, तेंदुआ आया है, तो हम लोग जांच पड़ताल करने जा रहे हैं कि आया है सही में कि नहीं। यहाँ पे भाई साहब लिप्टिस के पेड़ बहुत सारे हैं, बीच में चलने का आनंद ही आ रहा है, जैसे आम के पेड़ की बाग होता है और वैसे ही लिप्टिसों के पेड़ का बाग है ये, इसमें कुछ नहीं बस पत्ते गिरते हैं और कुछ नहीं, आम की तो बात छोड़ दीजिए। ओके पकड़िया आ चुकी है हमारे पास, यहीं पे बता रहे हैं सारे लोग कि देखा गया है तेंदुआ के पंजे, मतलब तेंदुआ तो किसी ने नहीं देखा, तेंदुआ के पंजे देखे गए हैं, तो अब देखते हैं भाई। और ये उस साइड एक लील गाय मारी गई है, विकास भाई कह रहे हैं, तो भी चलते हैं देखते हैं कि ये रियल घटना है कि फेक है, फियर फाइल्स की तरह। और भाई साहब माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि 5 मिनट के ऊपर हमारा वीडियो जाएगा, तो क्या करें, ये चीज़ तो ज़रूरी है दिखाने। सोएस भयानक पकड़िए के पास तो बच के, विकास भाई कहने खेत के अंदर देखे गए हैं, भाई साहब कहाँ ले जा रहे हैं। तो गाइस ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे दिखे हैं भाई साहब, आपको दिख रहा होगा मेरा एक तरफ से हाथ, देखो आप समझ रहे होंगे कुत्ते के यहाँ होंगे, मेरा एक तरफ हाथ देखो, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो भाई साहब यहाँ पे जंपिंग हुआ है, और भाई साहब ये देखो यहाँ पे अंधा है तो उधर से भागा है ये वाला भाई, ओ बेटे यहाँ से वापस आया है, ये देखो हाथ देख सकते हो आप लोग, कहोगे एक बड़ा होगा एक कुत्ते का आगे ऐसे, और इधर आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे भाई देखे हैं तो सारे लोग भागे हैं यहाँ पे से देख के, ये चीज पंजे, ये तेंदुए के पंजे यहाँ पे आप सब देख सकते हो, अभी इनसे थोड़ी बहुत फोटो शूट करेंगे तब। यकीन हो चुका है कि भाई रियल में था, बोले तो मैं मजाक मानता था, तब मेरे हाथ से बड़ा उसका पंजा था भाई, क्या बताएं कितना मोटा था भाई। तो भाई अब तो रियल मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ जंगली कुत्तों या तो जंगली सुअरों का मान लेता, मगर इतने टाइम तो मानना पड़ेगा जो भाई हाथ से बड़ा नहीं तो जंगली कुत्तों या तो जंगली सुअरों का, तो कुत्ते का इतना होगा, कुत्ते का इतना छोटे में तब। और भाई हमारे दोस्तों जल्दी ही सब्सक्राइबर करवाओ, और भाई अपने दोस्तों से भी कहो, और ना करें तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जूता फेंक के उनका मार दो, सब्सक्राइब हो जाएगा, चाहे जूता चाहे चप्पल कुछ भी फेंको, चाहे बाबा जी का घंटा भी फेंक दो, तब तक के लिए बाय।